हेलो दोस्तों, मेरा नाम सूरज पटेल है और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सूरज पटेल एजुकेशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जैसे कि आप थंबनेल में जरूर देख रहे होंगे कि आज का मेरा टॉपिक क्या है। थंबनेल में जो लिखा है, कोरोना वायरस के कारण मुंबई यूनिवर्सिटी का नोटिस। तो दोस्तों, ये बात सही है कि मुंबई यूनिवर्सिटी, जैसे कि आपको मैंने पिछले ही वीडियो में बताया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे भी जाकर देखिए जरूर। मैंने उस वीडियो में आप लोगों को बताया था दोस्तों कि मुंबई यूनिवर्सिटी ने हाल ही में कुछ दिन पहले ही कुछ नोटिस जारी किया गया है। तो दोस्तों, मैंने सोचा था कि इसके रिगार्डिंग एक अलग से वीडियो बनाई जाए, क्योंकि नोटिस की बात है। तो दोस्तों, क्या नोटिस लाया है मुंबई यूनिवर्सिटी ने आप लोगों के लिए, आज के वीडियो में हम वही बात करने वाले। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को एंड तक देखें। इसके लिए दोस्तों, अगर आपको सबसे पहली बात कुछ और भी इंपॉर्टेंट वीडियो हो तो मैं आपको मेरे चैनल पे दिखा देता हूं। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे नहीं गए हो तो दोस्तों, सूरज पटेल एजुकेशन करके आप YouTube पे डालोगे तो मेरा ये चैनल आ जाएगा। चैनल के आप वीडियो में चले जाइए, वीडियो में आप जैसे ही जाओगे तो दोस्तों आप लोगों को ना यहाँ कुछ वीडियो दिखाई देंगे। दोस्तों ये देखिए, इधर दिख रहे दोस्तों, ये दोनों वीडियो में मैंने काफी इंपॉर्टेंट बात बताई हुई है कि किन स्टूडेंटों को एग्जाम देना होगा और किन लोगों को एग्जाम नहीं देना होगा। साथ ही साथ दोस्तों, आइडियल के और भी इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, एग्जाम को लेके दिए गए हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब को, अगर मतलब आपको गवर्नमेंट जॉब की इंफॉर्मेशन चाहिए तो दोस्तों उसके रिगार्डिंग भी मेरे इस YouTube चैनल पे वीडियो मिलते हैं। खासकर मेरे इस YouTube पे आपको एजुकेशन के रिलेटेड, मुंबई यूनिवर्सिटी के अपडेट के रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड हमेशा वीडियो मिलते हैं। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। एक सेकेंड लगेगा आपको लाइक करने में, और आपके लाइक और सब्सक्राइब की वजह से मुझे मोटिवेट मिलेगा और मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर आपके सामने अपडेट लेके आऊंगा। तो सबसे पहले बात की दोस्तों, हम मुंबई यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने वाले। आई होप कि आप लोगों को मुंबई यूनिवर्सिटी के वेबसाइट का URL कोड पता होगा कि कैसे मुंबई यूनिवर्सिटी पे विजिट कर सकते हैं। अगर नहीं पता है तो दोस्तों यहां देख लीजिए, हम नॉर्मल गूगल पे जाएंगे, उधर लिखेंगे www.mu.ac.in। जैसे ही क्लिक करेंगे हम मुंबई यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो दोस्तों, ये रहा मुंबई यूनिवर्सिटी का वेबसाइट, जैसे कि आप देख रहे हो मुंबई यूनिवर्सिटी का लोगो भी है। तो दोस्तों, आप लोगों को आई होप कि मुझे पता है कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है मुंबई यूनिवर्सिटी पे जाके कोई भी नोटिस को रीड करना, या जल्दी वो नोटिस मिलती है नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों के सोल्यूशन के लिए आप लोगों को मैंने पिछली बार ही बता दिया था कि मेरा एक वेबसाइट है, आप उस पर विजिट कीजिए, आपको लाइन से हर एक इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, क्योंकि मैंने जो वेबसाइट रखा हुआ है बहुत ईजी यूज़ है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो मैं नोटिस के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ वो आपको किस जगह पर मिल जाएगा। दोस्तों, उस नोटिस में काफी कुछ लिखा हुआ है, मैं पूरा नोटिस रीड नहीं करने वाला, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको दो नोटिस बताने वाला हूं जो 31 मार्च को, मतलब चार पांच दिन पहले मुंबई यूनिवर्सिटी ने अपने साइट पे अपलोड किया था, और एक अप्रैल के दिन अपलोड किया हुआ था। तो ये सभी इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों, आपको क्या करना है पता है, पहले आप अपने मोबाइल से भी यूज कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। गूगल पे चले जाइए, उधर लिखिए www.सूरज, जो मेरा नाम है पटेल, सूरज पटेल मेरा नाम है, एजुकेशन लिख देना, सूरज पटेल एजुकेशन .com लिख देना और इंटर कर देना। दोस्तों, आप लोगों के सामने इस तरह का पेज आ जाएगा जो मेरा वेबसाइट है। दोस्तों, जैसे ही नीचे आओगे सबसे पहला ही आपको जो ब्लॉग लिखा हुआ है वही आपको ओपन करना है, कोरोना वायरस के रिलेटेड मुंबई यूनिवर्सिटी नोटिस। ठीक है, इधर आपको थंबनेल भी दिखेगा, जो मेरे यूट्यूब का थंबनेल है सेम ब्लॉग का भी थंबनेल वही रखा हुआ है। तो दोस्तों, इसको जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपके सामने इस तरीके से कुछ आ जाएगा, सेम जो उधर टाइटल लिखा हुआ था वो टाइटल है, देन कोरोना वायरस COVID-19 यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई नोटिस, इधर आपको थंबनेल दिख जाएगा। और दोस्तों, इधर मैंने इंफॉर्मेशन काफ़ी कुछ इधर लिख के दिया हुआ है, तो दोस्तों आप जरूर रीड करना, आप लोगों के लिए ही लिखा हुआ है और एकदम सिंपल लैंग्वेज है, मतलब जो हम हिंदी में करते हैं। फ्रेंड, आप लोगों के को पता होगा कि मुंबई यूनिवर्सिटी कोरोना वायरस के कारण क्लोज कर दिया गया है, ऐसे ही एकदम नॉर्मल हिंदी में ही लिखा हुआ है, सिर्फ इंग्लिश के वर्ड है। दोस्तों, इधर सबसे पहले आपको इधर दो लिंक दिख रहा है, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो आप फर्स्ट को क्लिक कीजिए, देखिए दोस्तों, ये मुंबई यूनिवर्सिटी के साइट से ही लिंक है, जो मेरे ब्लॉग पे आपको मैंने ये लिंक दिया है, ये मुंबई यूनिवर्सिटी के ही साइट पे जाएगा। तो इसको आप क्लिक करोगे, ये मुंबई यूनिवर्सिटी का नोटिस आ गया है दोस्तों आप लोगों के सामने, आप इसे रीड कर सकते हो, काफी कुछ इंस्ट्रक्शन इसके अंदर दिए गए हैं। दोस्तों ये देखिए,
ठीक है दोस्तों, तो ये सब इंफॉर्मेशन आप लोगों को दिया गया और ये इंफॉर्मेशन कब अपलोड किया है मुंबई यूनिवर्सिटी ने अपने पेज पे, 1 अप्रैल, आप लोगों को इधर दिख रहा होगा 1 अप्रैल 2020 के दिन, मतलब ये 3 या 4 दिन पहले की बात है, ठीक है, 31 मार्च के दिन भी अपलोड किया गया है। अच्छा दोस्तों, ये नोटिस में अगर रीड करने जाऊंगा ना दोस्तों तो काफी लेट हो जाएगा रीड करने में, तो मैं ज्यादा रीड नहीं करता हूँ, आप लोगों को इसके बारे में हल्का फुल्का इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। साथ ही साथ अगर आप लोगों को इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरे वेबसाइट पर चले जाइए, इसे डाउनलोड करके पूरा रीड कर लीजिए, और ये मराठी लैंग्वेज में है दोस्तों। इस वेबसाइट में इन्होंने गवर्नमेंट के द्वारा जो दिया गया रूल था उसी को ज्यादा फॉलो किया हुआ है, इन्होंने यही बताया है कि 31 जो अपना 31 तक का नॉकडाउन दिया गया था उसे 21 डेज के लिए नॉकडाउन कर दिया गया, जिसकी वजह से मुंबई यूनिवर्सिटी पूरी तरीके से बंद है, एजुकेशन डिपार्टमेंट, कॉलेज, स्कूल, सब चीज बंद है। साथ ही साथ आप लोगों को घर में रहने का, मतलब इन्होंने भी जो गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन दिया गया था सेम गाइडलाइन इन्होंने भी कहा है आप लोगों को, ये इन्फॉर्मेशन इस मतलब लेटर में दिया गया है मुंबई यूनिवर्सिटी के साइड से। आप इसे अच्छी तरीके से और भी रीड कर लीजिए, इसमें काफ़ी कुछ और दिया गया है, ठीक है, मैं आप लोगों को दे रहा हूँ नोटिस, तो मेरे को रीड करके ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही आप लोगों को बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट आप लोगों के काम का है। तो चलिए हम सेकेंड नोटिस पर चले जाते हैं, सॉरी दोस्तों मैंने उसको कट कर दिया, मैं फिर से चले जाता हूँ मेरे वेबसाइट पर www.surajpatel.com पे। दोस्तों आने के बाद इधर फर्स्ट वाला आपको दिख रहा है, क्लिक किया आ गया, देन ये फर्स्ट वाला ही है, इसे ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये फर्स्ट लिंक हमने ओपन कर दिया था, सेकेंड लिंक जो है दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इसको तो जरूर आप घर जाके रीड करना, इधर लिखा हुआ है दिनांक 14 अप्रैल 2014, ठीक है, मराठी में लिखा हुआ है, इधर अपना समर वेकेशन के बारे में बात किया गया है। दोस्तों इस पूरे इंफॉर्मेशन में क्या दिया गया है, मैं इंपॉर्टेंट है, इसे तो जरूर रीड करना, मैं आपको बताता हूँ। मुंबई यूनिवर्सिटी ने गवर्नमेंट को सामने, मतलब गवर्नमेंट ने जब इन्फॉर्म किया था कि हर एक चीज 31 मार्च तक बंद रहेंगे, बंद रहने वाला है, तो दोस्तों जब ये 31 तक का बंद रहने वाला था उसके बाद ही गवर्नमेंट की तरफ से फिर एक नोटिस आता है कि अब हमारा जो नॉकडाउन होगा वो 21 डेज का होगा। तो इस लेटर में उन्होंने वही बताया है कि वो नॉकडाउन को 21 डेज के लिए कर दिया गया था, मतलब 14 अप्रैल तक का मुंबई यूनिवर्सिटी हर एक चीज बंद कर दिया गया था। साथ ही साथ मुंबई यूनिवर्सिटी ने अपने जो स्टाफ है, असल में उन्होंने उसके फर्स्ट लेटर में अपने स्टाफ, अपने स्टूडेंट सभी लोगों के लिए बोला था नॉकडाउन है, घर में रहिए, हर एक चीज, इसमें लिखा हुआ है कि 14 अप्रैल के बाद अगर गवर्नमेंट की तरफ से फिर से नोटिस आता है कि नॉकडाउन कंटिन्यू रहने वाला है, आपको सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन दोस्तों बता देता हूं कि नॉकडाउन जो हमारा है मोदी सरकार के द्वारा, मतलब गवर्नमेंट के तरीके गवर्नमेंट के तरफ से दोस्तों इस नॉकडाउन को शायद से 49 डेज के लिए कंटिन्यू कर दिया जाए। मतलब रीजन ये है कि कोरोना वायरस दिन से ही, मतलब हर रोज बढ़ते जा रहा है, कहीं भी कम नहीं हो रहा है दोस्तों, जिसके वजह से कारण कोरोना वायरस फैलते जा रहा है, और अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी चालू हो जाए, एग्जाम चालू हो जाए, तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो पाएगा, तो जिसके वजह से शायद अभी तक कुछ अप्रूवल नहीं आया है कि 49 डेज के लिए इसको मतलब पोस्टपोन कर दिया जाए नॉकडाउन को, जिसके वजह से 2-3 राय रखा हुआ है यूनिवर्सिटी ने भी गवर्नमेंट के सामने, या तो 49 डेज के लिए हमेशा बंद हो जाए, मतलब काफी लोगों ने उन्होंने गवर्नमेंट के सामने प्रस्ताव रखा हुआ है कि 49 डेज के लिए पूरा नॉकडाउन कर दिया जाए, या तो 49 डेज के बीच में 4-5 दिन मतलब चालू रहे, 4-5 दिन बंद रहे, 4-5 दिन चालू रहे, 4-5 दिन बंद रहे, लेकिन इस पर सही डिसीजन अभी तक कुछ आया नहीं है कि एक्चुअली होने क्या वाला है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, होने जो भी वाला है आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी करो। मुंबई यूनिवर्सिटी ने भी यह अनाउंस कर दिया है कि अगर 14 अप्रैल के बाद नॉकडाउन रहता भी है तो उसके बाद भी इनके जितने भी स्टाफ है, इनके जितने भी प्रोफेसर है, वो लोग काम करेंगे। वो लोग कैसे काम करने वाले दोस्तों, इधर लिखा भी है कि वो लोग काम करने वाले ऑनलाइन, ठीक है, इधर आपको दिख रहा होगा कि ऑनलाइन वो लोगों को काम कराया जाएगा, वो सभी लोग जितने भी प्रोफेसर सर टीचर है वो होम फ्रॉम
वर्क करने वाले, मतलब वर्क फ्रॉम होम करने वाले, घर बैठ के ही काम करने वाले हैं। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन मुंबई यूनिवर्सिटी के तरफ से आया कि अगर लॉकडाउन आगे कर भी दिया जाएगा दोस्तों आप लोगों का एग्जाम होगा, साथ ही साथ ये जो भी काम होने वाला है प्रोफेसर ये सब ऑनलाइन होने वाला है, वो घर बैठ के काम करने वाले हैं। लेकिन एग्जाम किस तरीके से लिया जाएगा, ऑनलाइन लिया जाएगा कि ऑफलाइन लिया जाएगा दोस्तों, अब तक इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है। आई थिंक ये ऑफलाइन ही होगा, ऑनलाइन तो नहीं होने वाला है। और कुछ भी इन्फॉर्मेशन रहेगा दोस्तों मेरे इस चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो दोस्तों जो न्यू व्यूअर है प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। मेरा जैसे ही कुछ अपडेट आता है मुंबई यूनिवर्सिटी की तरफ से, मेरा आप लोगों तक वीडियो पहुंच जाएगा, मैं सबसे पहले आप लोगों को अपडेट दूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट।